मैं दूंगा दादा पूर्व विधायक चौहतन, मुझे आज हमारे आरएलपी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल ने और अपनी पार्टी ने जोड़ करके मुझे मेरे पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सपनों के अनुसार उनके लक्ष्य के मुताबिक और आम जनता से अपील करूँगा कि कल मेरा नामांकन चौहतन में भरा जाएगा, जिसकी आम सभा चौहतन के हर्षक स्कूल मैदान में है और आप सबसे ज़्यादा में ज़्यादा लोग पधार करके और सभा की शोभा बढ़ाएं और आरएलपी के जो है हाथ मजबूत करें। आपने देखा होगा कि मैं चौहतन के आम जनता के ख्वाबों और उनके सपनों के मुताबिक खड़ा उतरूँगा और चहुमुखी विकास करके और आप के जो सपनों को पूरी तरह से करूँगा, मुकम्मल करूँगा। इन आशाओं के साथ आप सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा हूँ, उसका सदस्य बना हूँ। मैं हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद किसान नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को आरएलपी ज्वाइन कराई और मुझे राजस्थान के सिंह विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी का प्रत्याशी बनाया है। मैं कल 10 बजे शिव मुख्यालय पर आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नामांकन में बड़ी संख्या में 10 बजे कोटा चौराहे शिव में पहुंचकर मेरे को अनुग्रहित करें ताकि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से शिव का विधायक बन सकूं और जो शिव में पिछले 15 साल से काम अटका हुआ पड़ा है वो काम जो मेरे विधायक काम कार्यकाल में राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ था वैसा शानदार काम शिव और पूरे बाड़मेर जिले में मैं कराऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे लिए शिव की जनता ही सर्वप्रिय है। शिव की जनता की भावना के अनुकूल मैंने आरएलपी ज्वाइन की है। एक बार पुनः माननीय हनुमान बेनीवाल जी का साधुवाद जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ज्वाइन कराई।